हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीके सर, योर केमिस्ट्री सर, वेलकमिंग यू टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस एंड दिस इज़ द चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम इसी केमिस्ट्री पार्ट के दो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। सो द प्रीवियस चैप्टर्स और फॉर द रिविजन पर्पज यू कैन वॉच बाई क्लिकिंग ऑन द आई बटन। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट और द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ऑल द थिंग्स अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, चलिए देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि उसकी हिस्ट्री वगैरह के बारे में, है ना। तो देखिए, अगर आपको सिंपल से एक वर्ड है हिंदी का वर्ड है पदार्थ। ठीक है, हिंदी का एक वर्ड है पदार्थ और इस पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मैटर। ठीक है, देखिए इस मैटर की बात करें या पदार्थ की बात करें तो अगर हम इंडियन साइंटिस्ट्स की बात करें, अब देखिए ये जो साइंटिस्ट वर्ड है ये तो अभी आया है, इससे पहले तो साइंटिस्ट वर्ड तो नहीं था ना। इससे पहले हम लोग यूज़ करते थे फिलोसोफर वर्ड, फिलोसोफर। ठीक है, अब वो जो फिलोसोफर होते हैं ये क्या होते हैं, जो अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं जो, है ना, उनको बोलते हैं हम फिलोसोफर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसे साधु संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, जिनको हम बोलते हैं महर्षि, ये सब थे। ठीक है, और ये लोग भी क्या है, साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ सोचते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ठीक है, इन्हीं में से एक फेमस महर्षि कनाद, महर्षि कनाद, ये जो महर्षि कनाद है, कनाद का मतलब क्या होता है, इनके बारे में कहा जाता है, महर्षि कनाद के बारे में कहा जाता है कि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो बड़ा ही बिजी था, बड़ा ही बिजी शेड्यूल था। कैसे था ये, इनका जो खाना होता था, ये जो राइस होता है, यानी कि जो चावल होता है, राइस भात जिसको आप बोलते हैं, तो उसके जो दाने होते थे या कोई भी अनाज, उसके जो दाने जो खेतों में बच जाते थे आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद में खेतों में जो दाने बच जाते थे उनको कलेक्ट करते थे, दाना कण, दाने को क्या बोलते हैं, कण। ठीक है, तो कण इकट्ठे करते थे ये और उन्हीं से फिर अपना पेट भरते थे, दैट इज़ वाई इनका नाम पड़ गया कनाद। ठीक है, तो महर्षि कनाद ने बताया, सबसे पहले क्या बताया इन्होंने कि अगर हम किसी पदार्थ को, हम किसी मैटर को अगर हम कट करते जाएं, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते जाएं, तो एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके बाद में हम उस सब्सटेंस को, उस मैटर को या उस पदार्थ को उससे ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते। ठीक है, उससे ज़्यादा छोटा नहीं बना सकते और ऐसे जो ये जो पार्टिकल्स बनेंगे, एक छोटे से छोटा जो पार्टिकल होगा जिसका आगे फर्दर डिवीजन हम नहीं कर सकते, जिसको हम आगे और तोड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको हम बोला, उसको नाम दिया इन्होंने, किसने, महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया, परमाणु, ये नाम दिया, किसने नाम दिया, ये नाम दिया महर्षि कणाद ने, इनको बोला परमाणु। ठीक है, इनके साथ ही एक और इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन फिलोसोफर बोल सकते हैं हम, नाम है जिनका पाकुधा कात्यायन, पीके। ठीक है, पाकुधा कात्यायन, कात्यायमा, ओके, कात्यायमा या कात्यायमा जो भी बोल दीजिए, ये एक्चुअली साउथ इंडिया के हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी क्या बताया, पीके इन शॉर्ट माय नेम, तो इन्होंने भी यही बात बताई और इन्होंने भी क्या कहा कि ये जो पार्टिकल है, इसी जो उन्होंने बताया, महर्षि कनाद ने जो बात बताई ना, उसी बात को इन्होंने भी आगे फर्दर एलाबोरेट किया। एलाबोरेट करने का मतलब होता है उसको डिटेल से बताया, क्या कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, परमाणु वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, नॉर्मली ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। कंबाइंड होने का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, एक तीसरा पार्टिकल है, तो ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं और आपस में कंबाइंड होने के बाद में इनमें क्या बन जाता है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और एक पार्टिकल जो कंबाइंड फॉर्म में रहता है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे अलग अलग फॉर्म्स बनती है मैटर की, डिफरेंट फॉर्म्स बनती है। ये तो बात हो गई इंडिया की। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में, इंडिया में ही सारे साइंटिस्ट लोग रहते हैं या सारे फिलोसोफर रहते हैं,
दुनिया में और भी कई ऐसे कंट्रीज़ है, कोई कई ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ के जो साइंटिस्ट लोग हैं वो भी इसी बारे में काम कर रहे थे। ठीक है, इनमें से फेमस जो नाम आता है वो आता है डेमोक्रेटस एंड एक और साइंटिस्ट का नाम है जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ल्यूसिपस। ठीक है, ल्यूसिपस जनरली सिंपल सा साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, इन्होंने भी सेम वही बातें बताई। ये कहाँ के थे? ये इंडिया के नहीं थे, दे वर फ्रॉम ग्रीक। अब चलिए एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये जो ग्रीक नाम जो हम बार बार सुनते हैं, ये कौन सा कंट्री है जिसके लोगों को ग्रीक कहा जाता है? जैसे हम इंडिया है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे को इंडियंस बोला जाता है। ठीक है, इन द सेम वे जापान के लोगों को जापानीज, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को कंगारू बोला जाता है। ओके, इन द सेम वे न्यूजीलैंड के जो हैबिटेंट्स होते हैं, उनके जो रहने वाले लोग होते हैं न्यूजीलैंड के, उनको कीवी बोला जाता है। नेक्स्ट अफ्रीकन, उनको प्रोटियास बोला जाता है। ठीक है, इन द सेम वे कौन सा कंट्री है, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से कंट्रीज हैं या कौन सा कंट्री है जिसके लोगों को ग्रीक कहा जाता है ना, उस कंट्री का नाम बताना है आपको। तो ये वहाँ के थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सेम वही बात कि अगर हम किसी मैटर को डिवाइड करते जाएं, इनसे इफ़ यू गो ऑन डिवाइडिंग सब्सटेंस इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, देन एक ऐसा स्टेज आएगा, उस स्टेज से ज़्यादा यानी उस स्टेज से छोटा हम उस पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो पार्टिकल्स है इनको डेमोक्रेटस नाम का एक साइंटिस्ट या फिलोसोफर था, उसने नाम दिया एटम्स, व्हाट इज कॉल्ड एटम। तो हमने तो नाम दिया परमाणु, एटम को हिंदी में परमाणु ही बोलते हैं, याद रखिएगा, लेकिन इन्होंने जो नाम दिया, डेमोक्रेटस ने ये जो नाम दिया है, इन्होंने क्या बोला इसको? परमाणु, परम अणु, परम का मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। ठीक है, अणु। और ये जो कहानी थी ये तो होगी इनकी, किसकी? डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस और इनसे रिलेटेड और साइंटिस्ट, इनके साथ में प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, न पीके ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने सिंपल रीजनिंग या लॉजिकली इन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा होगा, ऐसा है। ठीक है, और उस समय पे 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उससे पहले की जो बातें हैं, उस समय पे इतना ज़्यादा हमारा साइंटिस्ट वर्ल्ड जो है या साइंस जो है वो, या केमिस्ट्री की अगर बात करें तो वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही 18th सेंचुरी डिस्टर्ब ख़त्म होती है, 18th सेंचुरी ख़त्म होने का मतलब होता है 1801 का स्टार्ट होना, 1801 AD इसका स्टार्ट होना। 1801 के बाद में फिर क्या होता है कि बहुत सारी नई नई डिस्कवरीज हुई, और उन नई नई डिस्कवरीज या जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स हुए, नए नए इक्विपमेंट्स हुए, उनकी हेल्प से साइंटिस्ट स्टार्टेड टू परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, और उन एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे उसके बेसिस पे उन्होंने ये जो आपका मैटर है, उस मैटर को उन्होंने कई टाइप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, फॉर एग्जांपल मैटर को उन्होंने एलिमेंट्स के अंदर क्लासिफाई किया, मैटर के अंदर उन्होंने उसको कंपाउंड्स के नाम में भी क्लासिफाई किया। तो ऐसा करते करते क्या हो गया, बाकी के जो और लोग थे उनको भी इसमें इंटरेस्ट आने लग गया, एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टू सर्च अबाउट दिस फिनोमेना। ठीक है, ऐसा ही एक साइंटिस्ट थे जिनको जनरली फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री याद रखना है आपको, नॉट फॉर योर जीके पर्पस, नॉट फॉर योर बुक पर्पस और एग्जाम पर्पस, बट आल्सो फॉर जीके पर्पस, कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो आंसर याद रखना है एंटोइन एल का भी कोई फुल फॉर्म होता होगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली राइट नाउ, एंटोनी एल लेवोजियर। देखिए इंग्लिश में तो इसको लेवोसियर बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसको लेवोसिये बोला जाता है, आर साइलेंट रहता है वहाँ पे, इंग्लिश में इसमें आर है लेवोसियर, और हिंदी में जब बोलेंगे इसको तो यहाँ से आर इसका साइलेंट रहता है, यानी इसको बोला जाएगा हिंदी में लेवोसिये। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया,
इन्होंने ही साइंस की ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री, उसके बारे में इन्होंने बताया, उसके बारे में सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, और उन्होंने इसके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज बनाए थे, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज है, केमिकल कॉम्बिनेशन के जो ये लॉस है, ये हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, हमें इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला क्वेश्चन इनसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, तो इसलिए हमें भी इनको याद रखना है। तो जो सबसे पहला जो हमारा लॉ है, सबसे पहला जो हमारा लॉ है, दैट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन का, मास का कंजर्वेशन का लॉ, लॉ बोल दो, रूल बोल दो। ठीक है, सिंपली अब देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करें। पहली बात, आप लोगों को याद होगा क्लास, पुरानी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस में फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज याद होगा सभी को। फिजिकल चेंज क्या होता है, पीसी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, और केमिकल चेंज क्या होता है, पीसी एंड सीसी। वैसे पीसी का मतलब बुआ जी भी होता है ना, पीसी वाला बुआ जी, तो ये पीसी अलग है, फिजिकल चेंज वाला है, सीसी मतलब केमिकल चेंज। तो ध्यान रखिएगा, केमिकल चेंज को ही हमने बोला था कि इसको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको एक सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन, एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगा, और यह आपको इतने इजीली फिर आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कैसे, देखिए एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक अलग ही एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ये आपके पास में एक हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इस हाइड्रोजन गैस के साथ में आपने एक रिएक्शन कराई ऑक्सीजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इनकी आपस में आपने क्या कराई, रिएक्शन कराई। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, और इनकी रिएक्शन नॉर्मली तो होगी नहीं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता है क्या, हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस भी होती है, लेकिन क्या इन दोनों के आपस में रिएक्शन करने से वाटर का फॉर्मेशन होता है क्या, नॉर्मली नहीं होता ऐसा। तो फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है इनको, ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि ये आपस में रिएक्शन नहीं करती है नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब अभी जो टेम्परेचर चल रहा है उसी को हम नॉर्मल टेम्परेचर बोल देंगे, 25 डिग्री टेम्परेचर जिसको बोलते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड द नॉर्मल टेम्परेचर। तो ऐसा नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, तो क्या किया जाए, हीट किया जाए और प्रेशर को भी इंक्रीज किया जाए, प्रेशर को भी इंक्रीज किया जाए, तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। देखिए अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली है, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस और आपने 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिया है, तो आपको यहाँ पर वाटर जो है वो मिलेगा कितना, 18 ग्राम वाटर कितना मिलेगा, 18 ग्राम। अब मैं इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे बताऊँगा, ये दोनों ने रिएक्शन किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने दोनों ने आपस में रिएक्शन किया, रिएक्शन करने से पहले टोटल मास कितना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 18 ग्राम। आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन करने के बाद में जो टोटल मास है वो कितना है, 18 ग्राम। यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि बिफोर द रिएक्शन द मास इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मास क्या रहा, फिक्स रहा, उसमें मास में कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, तो किसका कंजर्वेशन हो रहा है, मास का, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये क्या है, लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, सभी केमिकल रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो करती है। ऑल ऑफ यू टेक केयर, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसके अंदर इसका स्टेटमेंट क्या है, आपको तो इसका स्टेटमेंट भी याद रखना होगा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट ये है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि मास जो है उसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
यानी कि मांस को आप न तो पैदा कर सकते हो और न ही मांस को आप ख़त्म कर सकते हो। तो फिर क्या, कुछ नहीं, बस इतना से याद रखना है आपको, मांस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट नॉर बी क्रिएटेड एंड नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, क्या हमने यहाँ पर कोई नया मांस क्रिएट किया? पहले 18 ग्राम था, अभी भी आपके पास 18 ग्राम ही है, यानी कि मांस का यहाँ पर क्या हो गया, कंजर्वेशन हो गया। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, आपकी बुक में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है, और वो डायग्राम जो है उसको आप देखिए, आपकी बुक के अंदर बुक में है डायग्राम का नंबर, दैट इज फिगर 3.1, ठीक है, आपको मिल रहा होगा फिगर 3.1। और इस फिगर 3.1 से पहले आपको एक्स और वाई करके कुछ लिखा हुआ है। चलिए सिंपल सा देखिए आप, एक्टिविटी 3.1, इसको ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 3.1 को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको कुछ सब्सटेंसेस के नाम लिखे हुए हैं, ओके, कुछ कंपाउंड्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, उन कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले याद रखने हैं, केमिकल फॉर्मूले याद रखने हैं। तो दो साइड दी हुई है, एक एक्स साइड है और एक वाई साइड है। एक्स साइड वालों के मैं नाम लिख रहा हूँ, नाम तो लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर, आपको उनके केमिकल फॉर्मूले लिखना है। फर्स्ट लिखा हुआ है एक्स साइड में, एक्टिविटी 3.1 में एक्स साइड में लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। नेक्स्ट वाई साइड में जो लिखा हुआ है उसका क्या नाम लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट। व्हाट इज दैट रिटन, सोडियम कार्बोनेट। तो उसका भी आपको याद रखना है फॉर्मूला, दैट इज द Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है ये। तो C को हटा दीजिए, यहाँ पे C लगा दीजिए और इस 4 को हटा के 3 कर दीजिए। कैसे आया, क्यों आया, ये सब आपको याद नहीं रखना है फिलहाल, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के नीचे देखिए नंबर 2 पे लिखा हुआ है बेरियम क्लोराइड। कैसे आया, क्या आया, कहाँ से आया, याद नहीं रखना, बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसी के नीचे सामने वाई वाले साइड में देखिए सोडियम सल्फेट आ गया, सोडियम सल्फेट जो अभी पहले लिखा था मैंने, सोडियम के लिए तो होगा Na2 और सल्फेट के लिए होगा SO4। ये हो गया Na2SO4, सोडियम सल्फेट। इसी चैप्टर में या इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यस, इसी चैप्टर में हम ये फॉर्मूले जो होते हैं इनको बनाना सीखेंगे, है ना। तो आगे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है लेड नाइट्रेट। लेड का फॉर्मूला होता है Pb, नाइट्रेट का होता है NO3, और इसके यहाँ पर आपको लगाना है ब्रैकेट के बाहर 2, लेड नाइट्रेट। इस साइड में आपको लिखना है नंबर 3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको आप लोग खाते हैं, हम लोग सब्जी में डालते खाते हैं, या जो आपका वेजिटेबल्स होता है, दाल होती है, करी होती है, सांभर होती है, उनमें सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करना है, बिकॉज दीज आर वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए इनको आपको अच्छे से लर्न रखना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इनको याद रखेंगे, उम्मीद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, तो इससे पहले हमने अभी जो बात की थी वो क्या थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसकी हमने बात की थी अभी, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसके बाद में देखिए सेकंड जो लॉ आता है वो ये कहता है कि नाम क्या है उसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है इसका एक और नाम है, इसको लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट एक
कैरेक्टर का भी नाम है किसी एक मूवी में, देखना कोई एक ऐसी मूवी है गैंग ऑफ वाशेपुर में, वहाँ पर एक डेफिनेट नाम का कैरेक्टर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर और डेफिनेट। अगर आप लोगों को मूवीज़ में इंटरेस्ट है तो देखना डेफिनेट कौन है, क्या है, उसमें क्या होता है ऐसा। चलिए, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, क्या मीनिंग होता है इसका, क्या मीनिंग होता है? कॉन्स्टेंट बोल सकते हो या डेफिनिट बोल सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, लेवोसी था करने वाला इसको, एक्सपेरिमेंट करने वाला लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के लिए, लेवोसियर अकेला ही नहीं था, उसके साथ में उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स भी थे, अदर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या देखा कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, याद करो ये सारे कंपाउंड्स हैं, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सब क्या है, कंपाउंड्स हैं। यहाँ पर जो वाटर हमने बनाया था अभी, ये वाटर जो है ये भी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। इन्होंने क्या देखा कि जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में कॉम्बिनेशन करने से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं देन दे फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। चलिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन का मतलब उनकी हिस्सेदारी, उनका शेयर, वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। फिक्स रहता है का मतलब क्या, जैसे वाटर की बात करें, वाटर वाटर वाटर, ये रहा वाटर, वाटर का फॉर्मूला देखिए, ये है H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। अब ये फॉर्मूला आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा नहीं है कि इंडिया में वाटर है तो उसका फॉर्मूला H2 होगा, और अमेरिका में जो वाटर होगा उसका फॉर्मूला H3 होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो वाटर होगा उसका फॉर्मूला H5O होगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर जो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, उनकी जो क्वांटिटी है, वो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स्ड रहेगी, डेफिनेट रहेगी, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। और अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए जब आप वाटर की बात करते हैं तो यहाँ पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होगा, यहाँ पर 2 यूनिट, और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 18 यूनिट। तो ये जो इनको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, ये आ जाएगा आपका 1:8। आप लोगों को मैथमेटिक्स में सिंप्लीफाई करना आता होगा, 2U और 16U, इनको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये बीच में क्या है, रेशियो है, यू से यू कैंसल, ये 2, 16, 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 1/8, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 1/8 क्या है, ये है प्रोपोर्शन, क्या, किसका प्रोपोर्शन है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन है, किसके रेस्पेरेंस में, किसके रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, मास के रेस्पेक्ट में। ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देखते हैं हम, कौन सा एग्जांपल, बात करते हैं हम अमोनिया की। अब भाई अमोनिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला। अब ये NH3 जो होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, NH3 का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए ये आपका है नाइट्रोजन गैस, ये है आपका हाइड्रोजन गैस, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, नाइट्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्या आपस में इनकी रिएक्शन होती है, कभी नहीं होती है। आप जैसे उनको दोनों को लेके बैठे रहोगे, लेकिन सालों तक, 100 ईयर्स 1000 ईयर्स तक बैठे रहोगे तो भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या करना होगा, इनको कुछ कुछ करना होगा इनके साथ में, इनको या तो हीट करना होगा या इनके कुछ प्रेशर इसके ऊपर लगाना होगा, तब जाके ये आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे क्या, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन तो है टोटल 14 यू, और हाइड्रोजन टोटल कितना है, 3 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 17 यूनिट। अब आप ये जो अमोनिया है, इसका जो फॉर्मेशन है, आप चाहे से इंडिया में कराओ, चाहे से पाकिस्तान में कराओ, या बांग्लादेश में कराओ, या कहीं पे भी कराओ, पूरी दुनिया में कहीं पे भी, ठीक है, हमेशा नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 14:3 में ही मिलेगा, 14:3 में ही मिलेगा। तो ये जो रूल है,
दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, या जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। तो इसका स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट वाले का स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट, सेकंड वाले का स्टेटमेंट आप चाहो तो स्टेटमेंट जो है वो आपकी नोटबुक में से, सॉरी टेक्स्ट बुक में से भी कॉपी कर सकते हो, सेम स्टेटमेंट होगा और वही आपको याद भी रखना है। क्या कहता है स्टेटमेंट कि अच्छा इसका स्टेटमेंट दिया किसने था, तो एक साइंटिस्ट है क्या नाम उनका, जे एल प्राउस्ट ऐसा कुछ नाम करके है, जे एल प्राउस्ट, ठीक है, उन्होंने इसके स्टेटमेंट के बारे में बताया और उन्होंने क्या बोला कि किसी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही मास के रेस्पेक्ट में डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो बाई मास एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, आप चाहो तो अमोनिया के अंदर देख लो, आप चाहो तो वाटर के अंदर देख लो, तो ये है इसका स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया, स्टेटमेंट तो आप लोगों को समझ में आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, अभी तक हमने तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है तो एक्सपेरिमेंट किए बिना इनको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इनका हमें चाहिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, क्या चाहिए हमें इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और इनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में जो है आपको जो साइंटिस्ट मिलते हैं उनका नाम है जोहन डाल्टन, जोहन डाल्टन साइंटिस्ट भी है एक प्रकार से, और इनके बारे में बोलते हैं कि ये ब्रिटिश यानी कि उस समय हमारा जब इंडिया फ्रीडम नहीं मिला था तो उस समय ब्रिटिश था और अभी उसको यूके बोला जाता है, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे ये, ठीक है। और इन्होंने एक थियोरी दिया था, ये आपको याद रखना है, टाइम पीरियड इसका जो ईयर है ना ये आपको याद रखना है, और इसको हम बोलते हैं डाल्टन का नाम क्या है, जॉन डाल्टन, ठीक है, डाल्टन का एटॉमिक थियरी। उन्होंने क्या बताया, मैटर के बारे में बहुत कुछ बताया था, उन्होंने कुछ मैटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, ओके। और इन्होंने जो अपनी थियरी है उसके अंदर एटम वर्ड को भी डिफाइन किया था, एटम वर्ड को डिफाइन कैसे किया उन्होंने, ए प्लस टॉम, एटम का मतलब क्या होता है, ए प्लस टॉम, ए का मतलब होता है नॉट, ए का मतलब नॉट, और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एटम, ठीक है। तो ये तो हम पहले से जानते हैं ना, बस उन्होंने तो उसको डिफाइन किया है, उसकी डेफिनेशन बताई है, हमारे इससे पहले भी तो इन्होंने बता दिया था, महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु, परमाणु क्या है, किसी भी सब्सटेंस का, पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते छोटे छोटे पीसेस में और आगे नहीं तोड़ सकते, ऐसी बात इन्होंने भी बताई थी। पाकायन पाकायदु क्या था, पाकायदु कामाय कातामयी जो भी नाम था देख लीजिएगा, इन्होंने भी ऐसा ही बताया था, ठीक है। चलिए डाल्टन की बात करते हैं, डाल्टन ने क्या क्या बताया और उन्होंने जो थियरी थी, अच्छा इन्होंने अपने जो बातें थी उन बातों को एक थियरी की फॉर्म में प्रेजेंट किया और उनकी जो थियरी है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके। देर आर टोटल सिक्स पॉइंट्स, देर आर टोटल सिक्स पॉइंट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी एंड दीज सिक्स पॉइंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट, दीज सिक्स पॉइंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट एज द क्वेश्चन सम मोस्टली, ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा, कौन सा क्वेश्चन, यही कि भाई डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है उसके अकॉर्डिंगली जो उसके पॉइंट्स हैं, ये जो डाल्टन की एक एटॉमिक थियरी के जो पॉइंट्स हैं उनको बोला जाता है पोस्टुलेट्स, व्हाट दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है, पोस्टुलेट का मीनिंग ये होता है कि कोई एक ऐसा लॉजिकल पॉइंट, कोई एक ऐसा लॉजिकल पॉइंट, कोई एक ऐसी लॉजिकल बात जिसके पीछे कोई हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन वो जो बात होती है, वो जो बात होती है वो सच होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सच बोलते हैं, अच्छे लोग होते हैं वो सच बोलते हैं, अब ये बात जो है वो प्रैक्टिकली तो हमने नहीं चेक की ना, लेकिन ये बात तो लॉजिकली तो सही है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सच बोलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं ये नहीं पता लेकिन सच बोलते हैं। बुरे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, बुरे लोग गलत काम करते हैं, ये भी सही बात है। कोई एक्सपेरिमेंट किया हमने नहीं, इसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट, ठीक है। तो कोई एक ऐसी बात
जिसके पीछे कोई पोस्ट कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई कॉन्क्लूजन नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं है, बस ऐसे ही उन्होंने सोच के समझ के और काफ़ी कुछ स्टडी करने के बाद में उस बात को हमें बताया है। दैट इज़ कॉल्ड पोस्टुलेट। तो आपको याद रखना है, आपको याद क्या रखना है कि डाल्टन की एटॉमिक जो थियोरी है उसके 6 पोस्टुलेट्स है। हाउ मेनी पोस्टुलेट्स आर देयर? 6 पोस्टुलेट्स। सभी पोस्टुलेट्स को आपको अपने नोटबुक में अच्छे से लिख कर याद रखना है। पहला पोस्टुलेट देखिए आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैटर होता है, मैटर मतलब सभी मैटर, पदार्थ हिंदी में क्या बोलते हैं मैटर को, कहाँ गया ये रहा, पदार्थ, सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं टाइनी पार्टिकल का मतलब छोटे से पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एटम। क्या बोलते हैं उसको हम? एटम। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इन्होंने क्या बताया? फर्स्ट पॉइंट के बाद में सेकंड पॉइंट देखिए क्या बताया इन्होंने कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। एटम जो होता है वो इनडिविजिबल पार्टिकल होता है। इनडिविजिबल का मतलब जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, इन प्लस डिविजिबल। इन का मतलब होता है ऑपोजिट, डिविजिबल का मतलब जिसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले लगा दिया इन तो इसका मतलब हो गया वो इनडिविजिबल, दैट इज कैन नॉट बी डिवाइडेड। जैसे वर्ड होता है आप लोगों ने याद होगा, एक वर्ड होता है डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड करना, एक होता है इनडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। तो इन वर्ड है वो एज ए प्रफिक्स यूज करते हैं तो वो एंटोनिम बन जाता है। आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा होगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स को ऑपोजिट वर्ड भी बोला जाता है, ठीक है? तो वो इंग्लिश की बातें आप लोग वहाँ पे लर्न करेंगे। चलिए तो सेकंड पॉइंट इन्होंने ये बताया, इनकी जो पोस्टुलेट का सेकंड पॉइंट ये है कि एटम जो होते हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं और उनको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और न उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। देखिए ये रही वो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमने देखा था अभी। क्या है एग्जाम्पल? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करती है तो वाटर बनता है। हाइड्रोजन गैस के वो एटम्स होंगे, ऑक्सीजन गैस के एटम्स होंगे, वो एटम्स ही जो हैं वो आपस में रिएक्शन करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे कोई नया एटम नहीं आया, पहले वाले जो एटम है वही मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? ये था इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए, किसी एक एलिमेंट के सभी एटम उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? हमेशा एक जैसे होते हैं। किसी एक एलिमेंट के सभी एटम्स उनके मास में और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं, ठीक है? लेकिन अगर एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो फिर आपको नंबर 3 के बाद में नंबर 4 को याद रखना है। नंबर 4 क्या कहता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनका अलग मास यानी कि डिफरेंट मास होगा और उनकी केमिकल जो नेचर होगी, केमिकल उनका जो बिहेवियर होगा, केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट होगा। सो दैट इज़ पॉइंट नंबर, दैट इज़ पोस्टुलेट नंबर 4। एंड देन द नेक्स्ट वन इज पोस्टुलेट नंबर 5। क्या कहता है? सिंपल सा है, अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये वाले एग्जाम्पल में देखा था हमने एक अमोनिया का केस देखा था। ये वाला अमोनिया का केस क्या बोलता है ये कि एटम्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने का मतलब जुड़ना, जब एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो उनमें जो कंपाउंड बनते हैं, उनमें जो कंपाउंड के अंदर एटम होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो होता है स्मॉल होल नंबर। देखिए यहाँ पर हमने रेशियो था 2U एंड 16U, उसको हमने सिंप्लीफाई किया था, ठीक है? तो सिंपल होल नंबर में रेशियो आया क्या? 1:8। ये किसका रेशियो है? ये उनके मास का रेशियो है, ठीक है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनका नंबर का रेशियो क्या है तो ध्यान रखिएगा H2O, ये है आपका वाटर, इसमें हाइड्रोजन का 2 है एटम तो 2:1 और ऑक्सीजन कितना है 1। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बाई नंबर ऑफ एटम तो 2:1, दैट इज द आंसर। एंड द लास्ट पोस्टुलेट इज नंबर 6, दैट इज द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये भी हम जानते हैं, अभी तो हमने देखा है कि किसी एक कंपाउंड के अंदर कितने एटम है,
ये और कितने टाइप के एटम है ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। आप किसी को भी देख लो, आपको अगर बोला जाए कि भाई वाटर के बारे में बताओ, वाटर में कितने हाइड्रोजन, तो आप बता दोगे दो हाइड्रोजन एटम, और वाटर के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम, आप बता दोगे ऑक्सीजन एटम एक है। तो अब ये बात आप चाहे से इंडिया वालों से पूछो, चाहे से चाइना वालों से पूछो, या पाकिस्तान वालों से पूछो, अमेरिका, जापान, किसी से भी पूछ लो, सबका आंसर सेम ही आएगा। तो ये बात भी सही है। तो देखा जाए तो इन्होंने जो बातें बताई है वो सब ऑलरेडी हमें पता है, बस उनको उन्होंने एक थियोरी की फॉर्म में प्रेजेंट की है। क्या किया इन्होंने, अपनी जो बातें हैं उनको एक थियोरी की रूप में, इन द फॉर्म ऑफ ए थियोरी प्रेजेंट किया, और इसीलिए ये क्या बन गया, एटॉमिक थियोरी बन गया। और इसीलिए हमें इसको पढ़ना भी पड़ता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्योंकि हमें ये थियोरी की फॉर्म में उन्होंने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये थी कहानी कुछ इसके बारे में। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो रहेगा कि एटम क्या है, दैट इज़ यूनिट 3.2, 3.2 या सब टॉपिक 3.2, एंड दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो इन द कमिंग वीडियोस वी विल बी टॉकिंग अबाउट एटम्स, एटम का एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद में कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।